हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बनाएंगे इस वीडियो में ब्राइडल लहंगे का सुंदर सा ब्लाउज। तो यहाँ बनाने से पहले इसके वर्क को देख लेते हैं। ये यहाँ पर बैक पार्ट के लिए दिया है जो कि दो पार्ट में है। बैक ओपन भी बना सकते हैं। और यहाँ पर ये बाजुओं का वर्क दिया हुआ है जिसकी लेंथ करीब 10-10.5 इंच है। और ये जॉइंट दिया है, बाजुओं के कपड़े को अलग जॉइंट कर दिया गया है इस कपड़े में। और यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट के लिए 4 टुकड़ों में दिया है इसका वर्क। तो इस तरीके से इसको मेजर करके देखना है। ये प्रिंसेस कट बनेगा ब्लाउज। तो आगे चलकर ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरीके से इसके वर्क को मेजर कर लेना है। यहाँ पर गले की लेंथ को देखना है। गले की लेंथ इसमें बनानी है 7 इंच। और इस तरीके से इसको कटिंग करने के बाद में सेट करना है। इसके प्रिंसेस को भी प्रिंसेस की कटिंग करके वर्क के साइज से, वर्क के हिसाब से ही उसको सेट करना है। और यहाँ पर भी फ्रंट की तरफ से इसको मेज़र करके पहले इसलिए देख लेना है क्योंकि पहले हमें इसकी कटिंग अस्तर पे करेंगे। तो कटिंग करने के लिए इसका मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कम ज़्यादा ना कट जाए। तो इसके लिए यहाँ पर ये अस्तर लिया है और अस्तर के कपड़े में जो भी साइज है उसका ये मार्क लगा के इसमें 3 इंच लूजिंग के मार्क लगा के यहाँ पर 3 इंच मार्जिन के लिए कपड़े को लेकर इस तरीके से डबल फोल्ड में कपड़े को करके रखा है। और यहाँ पर 1/2 इंच और बढ़ाया है कपड़े को, यानी डबल में 1/2 इंच या 1 इंच, जैसे कि यहाँ पर रखा है 4 इंच मार्जिन के लिए। और जो भी ब्लाउज की लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच का ये मार्जिन, सॉरी 1.5 इंच का ये मार्जिन रखा है। 1 का तो बैक पार्ट में रखेंगे, फ्रंट में 1.5 इंच का रखेंगे, यानी कि 1/2 इंच और लेना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए कपड़े को रखा है। और इस तरीके से 5.5 इंच लिए हैं इसके शोल्डर और 5.5 इंच ही यहाँ पर आर्म होल लिया है। बाद में मेजर करके देख लेंगे, अगर जैसे कि कम बैठता है इसका आर्म होल तो थोड़ा सा कटिंग और कर लेते हैं, नहीं तो ये सेट रहेगा, एकदम से सही आएगा सीने के हिसाब से। तो यहाँ पर ये बॉक्स बना लेने के बाद में 1/2 इंच कोने से इस तरीके से गुलाई दी है। और गुलाई देने के बाद में कोने से 1/2 इंच बाहर की तरफ इसमें एक मार्क लगाना है। और ऊपर से पहले सेंटर के पॉइंट पर एक मार्क करके यहाँ पर आगे की तरफ से करीब ये लिया है 4 इंच, 4.25 इंच यहाँ पर लिया है। ये 38 इंच है इसके सीने का साइज, तो इसके लिए ये 4.25 इंच ही ठीक रहेगा। और नीचे लिया है 3.25 इंच और 2 इंच पर एक निशान इस तरीके से आगे बढ़ाकर लगाने के बाद में ये प्रिंसेस की शेप देनी है इस तरीके से, पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए ये प्रिंसेस की शेप दी है। और इसको भी इस तरीके से शेप देनी है। तो यहाँ पर मार्किंग कर ली है ये प्रिंसेस की, या थोड़ा सा डार्क भी कर लेना है जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे इसकी इसका पैटर्न। यहाँ जो सीने का साइज है इस तरीके से 1 इंच और एक्स्ट्रा लेकर निशान लगाना है क्योंकि ये जो बीच में प्रिंसेस की कटिंग है यहाँ पर 1 इंच दोनों तरफ से 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये निशान लगा लेने हैं। और अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर अस्तर पे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से रख के देखना है और ये पार्ट को कटिंग कर लेना है। अस्तर में कोई गले वले की कटिंग नहीं की है, ऐसे ब्लाउजों में बाद में ही सेट किया जाए तो ही ज़्यादा बेहतर रहता है।
तो इस तरीके से इसको अब कटिंग करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये अस्तर और कपड़े दोनों को ही फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर लिया है। तो अब करनी है इसके बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए ये जो लेंथ है इसकी, उससे 1 इंच कपड़े को मार्जिन के लिए लिया है और 5 इंच इसका शोल्डर लिया है और यहाँ पर लिया है 5.5 इंच ये आर्म होल के लिए। और इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद में ये 1 इंच कोने से निशान लगाकर ये गोलाई दी है और ये रहा इसके सीने का साइज और ये कपड़ा लिया इसके मार्जिन के लिए करीब 1.5 इंच। और इस तरीके से इसका पैटर्न पूरा बना लिया है। अब कर देनी है इसकी कटिंग। अब यहाँ पर ये बैक पार्ट को लिया है इस तरीके से रखने के बाद में इसकी कर लेनी है कटिंग। अब करनी है इसकी बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग करने के लिए जो बाजू की लेंथ रखी है उससे 1 इंच इसमें भी मार्जिन के लिए कपड़े को लिया है और यहाँ पर जो आर्म होल आएगा करीब 9 इंच पूरे मार्जिन सहित, तो ये 9.5 इंच लिया है कपड़े को और ऊपर से ये 3.5 इंच डाउन करके इस तरीके से बाजू की शेप देनी है। बाजू को शेप किया है और जो बाजू की फिटिंग का साइज है उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से मार्किंग कर ली है। और अब कर देनी है इसकी कटिंग। कटिंग करनी है बाहर वाली लाइन पे। एक बाजू की कटिंग कर ली है और इसी तरीके से दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर दोनों बाजुओं की भी कटिंग हो गई है। अब इसके कपड़े को भी दोनों पार्टों में कटिंग करके रख लेना है। बाकी एक्स्ट्रा कटिंग तो अस्तर के हिसाब से हो जाती है। हमेशा वर्क वाले कपड़े को बड़ा ही कटिंग करना होता है, उसको कभी छोटा नहीं काटना चाहिए। तो अब यहाँ पर लिया है ये दूसरा अस्तर। वर्क के नीचे जो लगाना था वो तो सिंपल अस्तर लिया था और यहाँ पर ये लिया है पीस, अच्छा मोटा कपड़ा, क्योंकि वर्क वाले हैवी वर्क वाले ब्लाउजों में ये पीस लगे तो ही ज़्यादा बेटर रहती है। अब बिल्कुल इसी के बराबर हमें इस कपड़े को भी कटिंग कर लेना है।
अब करनी है इसकी सिलाई। Thank you.
Thank you.
तो यहाँ पर ब्लाउज की ऑलमोस्ट सिलाई हो ही गई है। अब इसमें बाजुओं को सेट करना रह गया है। तो यहाँ पर 38 इंच सीने का साइज है, तो करीब 8.5 इंच आर्म होल होना चाहिए। 8.5 इंच परफेक्ट रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच आर्म होल को सेट कर लिया है और अब इसमें बाजुओं को सेट करना है। तो इस तरीके से बाजू सेट करनी है, सीधे सीधे ही इसमें सिलाई लगानी है। वैसे तो इसमें गोल करके भी बाजुओं को अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर है उनका कहना है कि सीधे ही सेट कर देना, जिससे कि कभी लूज करना होता है तो वो आसानी से कर सकें। तो उनकी डिमांड के ऊपर इसको सीधे ही बाजुओं को लगाया जा रहा है। जो इस बाजू की विड्थ का साइज है उस पर मार्किंग करके इस तरीके से सीधी सिलाई लगाई है और ये सिलाई को सेट कर दिया है। बाजू को थोड़ा देखना है कि लूज ना रहे। बाजू लग के तैयार हो गई है। तो अब ब्लाउज में ये अंदर की फिनिशिंग देनी है, थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल दिया है और इस कपड़े को दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर ये ली है एक पट्टी जिसको नीचे की तरफ लगाना है। ये और एक पट्टी है क्योंकि ये ब्लाउज के वर्क में थोड़ी सी कटिंग है, वी टाइप में गोलाई है, तो उस पे ये तो उस पे और एक पट्टी सही रहेगी, अच्छे से अंदर को फोल्ड हो जाएगी। इस पट्टी को बिल्कुल खींचना नहीं है, एकदम आराम से पट्टी को लगाया है। अब इस पट्टी को पूरा सिलने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है और फिर अंदर की तरफ इस पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में देखिए इस ब्लाउज का कितना अच्छा एकदम बढ़िया लुक आया है। ये कितना परफेक्ट ब्लाउज बनके तैयार हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। एकदम वर्क परफेक्ट तरीके से सेट हुआ है और पहनने के बाद में भी ये एकदम से अच्छा ब्लाउज बनेगा। तो ऐसे ही पीटी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।